गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो नया व्लॉग है ना, वो शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हो किंग क्रेडो ऑफिशियल चैनल। तो आज आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से अंदाजा लगा लिया होगा कि आज आपका जो भाई है ना, आप लोगों को सिखाने वाला है कि किस तरह से आप लोग ना गुड्डे शुड्डे कैच कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और कमाल की ट्रिक आपका भाई बताएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो हमें जो है ना गुड्डा कैच करने के लिए क्या चाहिए होगा, वो सारा कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो हमारे पास टेप आ जाती है, और उसके बाद कैंची है, और उसके बाद ये छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास केमिकल है, दो गुड्डे हैं। एक गुड्डे को हम जो है ना क्लच वाला गुड्डा बना लेंगे स्पेशली, और हम क्लच वाला गुड्डा बनाने के बाद ना, ठीक है, वो घूमेगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर हम जो दूसरे वाला गुड्डा होगा ना, उसे अपने हाथ से छोड़ देंगे। जब उसकी डोर आगे जा रही होगी ना, फिर हम अपने क्लच के साथ कैच करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं होता। तो जल्दी से अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो शुरू करते हैं। गुड्डा कैच करने की जो टेक्निक है ना, आपका भाई आपको सिखाता है। दोस्तों अभी हमने क्या करना है कि अभी जो है ना, देख सकते हो ये वाली जो इसकी साइडें है ना, कुछ इस तरह से ये देख सकते हो। अगर आप फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड कर सकते हो, कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जो है ना इन्हें फोल्ड कर देता हूँ, और अपनी जो थोड़ी सी टेप है ना, यहाँ से लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ना, इस गुड्डे के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। इसे हम जो है ना, ये देख सकते हो इस तरह से इसकी जो साइडें है ना, ये हमने यहाँ पे लगा दी है। अभी हमने थोड़ी सी टेप एक बार यहाँ पे लगा देनी है, और थोड़ी सी टेप यहाँ पे लगा देनी है कि यार हमारी जो ये पान पत्ता है ना, यहाँ से हिले ना, और थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ी सी यहाँ पे, मतलब तीन तीन टेपें आपस में लगा दी हैं ये साइडों पे। आप लोग देख सकते हो हमारा जो काइट है ना, लोंडा काइट बन चुका है। हमने जो भार है ना इसका, थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे ज़्यादा कर दिया है। तो अभी हमने ये पत्थर लगाना है। हमें कागज़ चाहिए, कागज़ मैं ले आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोगों ने ये कागज़ के साथ जो है ना ये पत्थर लगाना है, और किस तरह से हमारा गुड्डा घूमेगा। यार इतना सा हमें कागज़ चाहिए। ये वाला जो कागज़ है ना, इसके साथ कुछ इस तरह से देख सकते हो, इसे हमने रोल एंड रोल कर देना है। यहाँ से हमने टेप उतारनी है, थोड़ी सी टेप उतारने के बाद ये वाली जो टेप है ना, इस कागज़ के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देनी है कि कागज़ हमारा हिले ना। और ये देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों ने ना, ये हमारा जो पत्थर है ना और कागज़ है, कुछ इस तरह से हमने लगा देना है अच्छे तरीके से, यहाँ पे हिले ना। और ये देख सकते हो मैं लगाता जा रहा हूँ, और यहाँ पे भी हमने जो है ना इस तरह से पत्थर को अच्छे तरीके से लगा दिया। ये हमारा पत्थर जो है ना यहाँ पे लग चुका है। अभी इसकी तलामें कैसे डालनी है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा देता हूँ। यार अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ना अपने गुड्डे की तलामें सबसे पहले बनानी है। अभी हवा चल रही है, इसके ऊपर कैंची रख देता हूँ। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरह से ना, ये देख सकते हो हमने इस तरह से जो है ना इसकी थोड़ी सी केमिकल बना लेनी है। ये देख सकते हो हमने दो गिरा यहाँ पे लगा दी है, और ये केमिकल देख सकते हो काफी ज्यादा जो है ना लंबी रखी है मैंने। वो इसलिए रखी है क्योंकि इससे क्या होगा, इसकी तलावें ज्यादा मजबूत होंगी, और अगर तलाओं से गुड्डा कैच होता है ना तो तलाएं कटेंगी नहीं, ठीक है। अभी कैंची जो है ना, इसके साथ मैं यहाँ पे सुराख कर लेता हूँ। ये देख सकते हो ये एक सुराख हो गया, इसके बाद दूसरे वाला सुराख कर लेता हूँ मैं। ये देख सकते हो दो सुराख यहाँ पे मैंने कर लिए हैं। अभी नीचे वाली साइड पे आ जाता हूँ। नीचे वाली साइड पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सुराख करना है। ये देख सकते हो ये पट्टी बनी है ना, इसे हमने ना 3 से 4 इंच नीचे फासला छोड़ के ना सुराख कर लेना है। अभी गुड्डे को मैं सीधा करता हूँ, ठीक है। गुड्डे को सीधा करने के बाद हमने क्या करना है, ये देख सकते हो ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से अपनी तलामें कुछ इस तरह से गुजारनी है। गुजारने के बाद क्या करना है, ऊपर वाली जो साइड है ना इसकी, ये देख सकते हो ऊपर वाली साइड से भी कुछ इस तरह से धागा गुजार लेना है। गुजारने के बाद क्या करना है, ये देख सकते हो इस तरह से हमने जो है ना केमिकल आपस में मिला लेनी है, और यहाँ पे हमने गिरा लगानी है। एक, इसके बाद दो, इसके बाद तीन गिरा लगा दी है हमने। अभी हमने क्या करना है, सीधी जो है ना इसकी केमिकल वाला सिरा, ये देख सकते हो इसे पकड़ लेना है, गुड्डे को घुमा लेना है कुछ इस तरह से। घुमाने के बाद हमने क्या करना है, ये देख सकते हो यहाँ पे जो है ना धागा कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो इस तरह से गुजारना है। ये देख सकते हो इस वाली साइड पे धागा आ चुका है। यहाँ से हमने क्या करना है, नीचे वाली जो साइड है ना इसकी, यहाँ से गुजार लेना है। ये देखिएगा अभी ये धागा ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, ये आ चुका है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे जो है ना गिरा लगानी है अच्छे तरीके के साथ। ये एक, इसके बाद हमने दूसरी गिरा लगा दिया है। अभी हम जो है ना इसकी जो सेंटर वाला धागा है ना वो बांध लेते हैं। सेंटर वाला जो धागा होता है ना, बिल्कुल आपने सेंटर में ही बांधना है, जिससे आपका गुड्डा घूमेगा भी पत्थर की मदद से, और आप लोग गुड्डा सही तरीके से उड़ेगा भी, और कैच वगैरह भी कर सकते हो। अभी जो सेंटर वाली गिरा है ना, वो मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी आप लोगों ने ना गौर करना है, ये देख सकते हो ये जो केमिकल है ना मेरे हाथ में है, कुछ इस तरह से हमने गिरा लगाई है। ये देख सकते हो इस तरह से मैं ना इसे आपस में मिला लेता हूँ, ये सारी की सारी जो केमिकल है ना,
और ये देख सकते हो बिल्कुल इसका जो सेंटर है ना, यहाँ पे इसका सेंटर आ जाता है। ये देख सकते हो सेंटर में आप लोगों ने यहाँ पे गिरा शिरा लगा लेनी है कुछ इस तरह से। अभी आपको दिखाता हूँ हमारा गुड्डा किस तरह से घूमता है। तो अभी जो हमारा ये काइट है ना, अभी देखना घूमेगा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे मैं ले आया हूँ, ये देखो इस तरह से जो है ना हवा के अंदर जाके अच्छे तरीके से ये घूमेगा। अभी इसे उड़ाना शुरू करते हैं, हमेशा में डाल के ना उसे उड़ा लेता हूँ, फिर इसे उड़ा लूंगा, ठीक है। वो हवा में स्टेबल खड़ा रहेगा, फिर जब है ना उसे यहाँ से तोड़ देंगे इस वाले गुड्डे से, फिर उसे कैच करेंगे। अभी सबसे पहले आपको क्लच वाला तरीका बताता हूँ किस तरह से आप लोगों ने बनाना है और किस तरह से आप लोगों ने वो वाले गुड्डे को कैच करना है उस क्लच की मदद से। तो यार अभी हमने क्या करना है, ये केमिकल है ना हमारी, इस तरह से हमने जो केमिकल है ना निकालते जाना, ठीक है। ये केमिकल मैं निकालता जा रहा हूँ और जितनी केमिकल मुझे चाहिए होगी ना मैं आपको बता दूंगा। ये देख सकते हो इतनी केमिकल चाहिए, यहाँ पे मैंने इसे तोड़ दिया, ठीक है। अभी ये वाली केमिकल ना इसके साथ कुछ इस तरह से जो है ना नीचे वाली साइड पर मैं फेंकता जाता हूँ, दूसरे वाले सिरे का आने का इंतजार करता हूँ। ये देख सकते हो दूसरे वाला सिरा आ चुका है, यहाँ पर इतना सा हम क्लच बनाएंगे। और ये देख सकते हो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना इसकी गिरा लगानी है कुछ इस तरह से। ये देख सकते हो दो गिरा लगा दिए यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फासला छोड़ के ना यहाँ पे एक गिरा लगा देंगे, थोड़ा सा फासला छोड़ के अभी यहाँ पे एक गिरा लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह ही जो है ना मैं सारी एक बार गिरा लगा रहता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हो ये केमिकल, ये देख सकते हो हमने कुछ इस तरह से ना ये छोटी छोटी गिरा लगाई है, यहाँ पे ना केमिकल फंस जाती है अक्सर, ठीक है। ये देख सकते हो ये पूरा जो हमने एक टोटा था ना उसके ऊपर बना दिया है और बहुत ही कमाल का ये हमारा क्लच बन गया। अभी इसे बड़ी चरखी के साथ मैं अटैच करूंगा, उसके बाद अपने क्लच वाला गुड्डा उड़ाऊंगा। सबसे पहले दूसरे वाला गुड्डा उड़ाता हूँ, फिर क्लच वाला उड़ाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप लोगों ने ना गुड्डा कैच करना। दोस्तों अभी मैंने क्या किया कि अभी जो है ना ये वाली मोटी वाली जो हमारी डोर है ना जिसे क्लच वाली तार हम कह रहे हैं उस वाले गुड्डे के साथ जो है ना वो देख सकते हो हमारा काइट वो नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा, वो गिर गया यार, वो देखो यार हमारा काइट नीचे गिर गया। अभी मैं इसे ऊपर लेके आऊंगा, आजा आजा यार, वो यार ऊपर ही नहीं आ रहा हमारा काइट जो है ना वो वाला नीचे गिर गया एंड टाइम पे आके, पता नहीं कैसे नीचे गिरा वो वाला हमारा काइट, गिरना तो नहीं चाहिए था। चलो यार जैसे भी है वो गिर गया है, पर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ना हम कामयाब करेंगे, कोई और गुड्डा लाते हैं उसे उड़ाते हैं और उसे कैच करते हैं। तो यार हमारा जो पहले वाला काइट था ना वो गिर गया था, वो तंग बहुत ज्यादा कर रहा था जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। अभी आपके भाई ने दूसरा काइट उड़ाया हुआ है, वो चेक कर सकते हो ऊपर वाली साइड पे। तो अभी जो है ना हमारी क्लच वाली आप लोग केमिकल देख सकते हो हमारे हाथ में है कुछ इस तरह से। अभी इसे उड़ाना शुरू करते हैं, फिर उस गुड्डे को ना मैं कैच करूंगा। सबसे पहले अपना जो क्लच वाला गुड्डा ना इसे उड़ा लेते हैं, फिर आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे उसे कैच करना। यार अभी हमारा काइट वो देख सकते हो उड़ चुका है हवा के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से उड़ रहा है हमारा दूसरे वाला काइट ऊपर वाली साइड पे। इस वाली जो केमिकल है ना वो देख सकते हो, वो वाली केमिकल उसे अलियान भाई जो है ना अभी तोड़ देंगे। तो जल्दी से अलियान भाई तोड़ दो, तो अभी जो है ना उस वाले गुड्डे को मैं कैच करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है। ये देख सकते हो अभी वो चेक करो यार, उस वाली साइड पे दिखाओ यार अलियान भाई, ये इसके डोर यही कहीं है और आपका भाई घुमाता जा रहा है। ये देख सकते हो गुड्डे को कुछ इस तरह से, और उस वाले गुड्डे को कैच करना है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से ना हो गया है वो वाला गुड्डा जो है ना इस वाले गुड्डे के साथ कैच। अभी जो है ना अभी वो देख सकते हो वो काफी ज्यादा आगे चला गया है। अभी यहाँ से हमारे दूसरे वाले गुड्डे को उठाना मुश्किल है, और यार वो देख सकते हो हमारा दूसरे वाला काइट भी जो है ना नीचे वाले साइड पे गुम हो गया कहीं। अभी आखिरकार आपके भाई ने थोड़ा सा ना ऊपर उठाया था, अभी दोबारा से देखते हैं ऊपर आता है या नहीं आता। वो वाला गुड्डा यार आगे किसी ने पकड़ लिया था जिसकी वजह से टूट गया है, और ये वाला काइट भी हमारा ना पकड़ा गया है, कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ना आज का फेल हो चुका है। यार बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट था जो फेल हो गया है। अभी मैंने केमिकल तोड़ दिया है, दोनों गुड्डे मतलब तीनों गुड्डे हमारे हाथ से चले गए हैं, और आगे किसी ने ना वो टंकी के पास से कैच कर लिया है। बाकी यार अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है, तो लाइक शेयर और कमेंट बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ओके फिर।